नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। बुलंदशहर से दो दिन पहले निकले 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर शंकी राजपूत जनता के लिए संदेश दे रहे हैं, आपस में भाईचारा बनाए रखें। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण को लेकर शंकी राजपूत ने एक अभियान छेड़ा है जो लगभग 7 से 8 महीने में लगेगा। आप देख रहे हैं शंकी राजपूत साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकले हैं, जनता के लिए संदेश देकर निकले हैं, तिरंगा साथ में लेकर निकले जी। आपका शुभ नाम, आप करते हैं, कहां से कहां जा रहे हैं? जी, मेरा नाम शंकी राही है और मैं नोएडा से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया। मैं जा रहा हूँ सबसे पहले गंगोत्री गौमुख ट्रैक करूँगा, उसके बाद जितने भी चारों धाम हैं उत्तराखंड के उनको कम्प्लीट करके अपनी जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी यात्रा करूँगा आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर। आप कब से निकले हैं घर से? मुझे 2 दिन हुए यहाँ से निकले हुए। मैं 11 तारीख को 11 सितंबर को निकला था नोएडा से। आप साइकिल से चलते हैं, बस वगैरह से कुछ नहीं? पूरा मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, पूरा साइकिल से करने वाला हूँ। हालांकि मैं पहले जो ट्रैवल करता था वो बाइक से करता था, लेकिन इस बार मैं पूरा ही साइकिल से ट्रैवल करूँगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य यह है कि लोगों को जागरूक करना पर्यावरण के प्रति, कि लोग मतलब जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो हवा है, एयर है, वो सांस लेने लायक नहीं रह गया है। इस सिटी का तो ये हाल है कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन इतना है कि मतलब सांस लेना दुभर हो गया। जैसे दिल्ली नोएडा की बात कर लो, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ और काफ़ी शहर में ऐसा है, और पानी का भी हाल सेम ही है। कुछ सिटी ऐसी हैं जहाँ पर पानी ख़त्म हो चुका है, कुछ शहर हैं जहाँ पर पानी बचा है लेकिन वो भी पीने लायक नहीं है। ये यात्रा कितने दिनों की है आपकी सर? ये यात्रा कितने दिनों में पूरी करोगे आप? जी सर, ये आप यात्रा मैं 6 से 7 महीने के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ज़्यादा लगता है वो टाइम और उसके ऊपर बात है, कैसा मौसम रहता है जगह जगह, कैसा मौसम मिलेगा। यात्रा बढ़ भी सकती है, कम तो मुश्किल होगी, 6 से 7 महीने लगेंगे। इसके पीछे क्या मानते हैं आप यात्रा से? यात्रा को अपना एक धार्मिक भी रहेगा और आप पूरे भारत को ट्रैवल करोगे, तरह तरह की संस्कृति देखोगे, आपके अंदर बहुत काफ़ी चेंजेस आएंगे और विविधता आपको पता चलेगी हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्या टोटल खर्चा अपने पास से कर रहे हैं या किसी के सहायता से? नहीं, अभी टोटल खर्चा तो अभी मेरे पास जितना है उससे करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन करेंगे गांव से। कहां के रहने वाले हैं आप? मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, यूपी से। बुलंदशहर में कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव अमरगढ़ है, तहसील सियाना है। आप बाईकास्ट कौन है? मैं बाईकास्ट राजपूत हूँ।